पंजाब च 1 अप्रैल तो कणक की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। तो अज मुख मंत्री भगवंत मान एशिया की सब तो वड्डी मंडी खन्ना विच कणक की पहली ढेरी आउण ते मंडियां दे प्रबंध का जायजा लैण पहुंचे। उन्होंने कहा कि उंज तां पहला ही पंजाब सरकार वालों जायजा लै लिया गया सी, पर मैं अज खुद इत्थे मंडियां दे प्रबंध वेखण आया हाँ कि किसानां नूं कोई मुश्किल, पीण वाले पानी, बाथरूम, लेबर नूं बैठण वाली जगह आदि की कोई मुश्किल ना आए। सीएम मान ने कहा कि पंजाब विच 2000 तों वध मंडियां ने, जिन्हां विचों 1862 पक्कियां ते 400 मंडियां अस्थाई ने, जो वह भी उस तरह जारी रहणगियां। इस बार 135 लाख मैट्रिक टन कणक आउण दी मंडियां दे विच उम्मीद है, जिस विचों 9 तों 9.5 लाख इकल्ले खन्ना जिले विच पहुँचण की संभावना है। उन्होंने कहा कि अफसरां नूं भी सख्त हिदायतां दित्तियां गईआं हन कि भुगतान विच बारदाने की कमी, ट्रांसपोर्ट जां आदि की कोई भी दिक्कत नहीं आउणी चाहीदी। उन्होंने कहा कि असी किसानां नूं अन्नदाता कहिंदे आं तां उन्हां नाल दाता वाला व्यवहार भी होना चाहीदा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी विचों एक एक दाणा किसानां दी कणक दा चुक्या जाएगा। बाथरूम की, लेबर बैठने की जगह, टोटल 2262 मंडियां ने पंजाब, 1862 पक्कियां ने, 400 मंडियां जिहड़ियां ने वो टैंपरेरी ने, कोरोना वेले जो बनाई सी असीं उन्हां नूं उहदी कंटिन्यू करा ताकि दिक्कत ना आवे। 135 लाख मीट्रिक टन जिहड़ी कणक है वो आउण दी उम्मीद है, जिस चों 9 तों 9.5 लाख किले खन्ना जिले के 135 ऑफिसर सख्त हदायत ने कि भुगतान के पेमेंट के बारदाने की कमी या ट्रांसपोर्टर या लेबर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। असी अन्नदाता कहने तो वो दाता वाला व्यवहार भी होना चाहिए। रुले ना, बहुत बारी सरकार ने, पिछले सरकार ने अन्नदाते रोलिया, साड़िया दिवालिया, साढ़े दशहरे मंडिया ही लगते रहे, क्योंकि वो शायद जब तक ग्राउंड रियलिटियों तो दूर से जा फिर जान बुझ के नहीं करना चाहते। सो मैं तुहाडे जरिए यह कहना चाहना, एक एक दाणा कणक का चुकया जाऊगा और मैं ये पता लगे कि MSP तो 5 रुपये उपर खरीदी जा रही है प्राइवेट भारतीय ने, क्योंकि इस बार यूक्रेन के काफ़ी मांग होगी, अनाज की कमी होगी उ। सो असी चाहते हैं कि MSP तो उपर भी जो खरीदे एप्रीशिएट करा अवॉर्ड भी देवे और 24 घंटे या 48 घंटे उन्होंने पेमेंट हो जाएगी। बिल्कुल सारिया मंडियां जिहड़ियां 2262 मंडियां ने, सारिया मंडियां का असी मोनीटरिंग कर रहे हैं, हर रोज़ रिपोर्टा ले रहे हैं, अज कि आई है, अज कि लिफ्टिंग हुई है, कई बार पीक होंगी है तो लिफ्टिंग जी है ट्रक घट जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन घट जाते हैं, वो अल्टरनेटिव भी असी लगे हुए हैं ताकि मंडियां ओवरफ्लो ना हो। इस करके मैं थोड़ा यह कहना है सर चाहे
ਜੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਾਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਾਲੀ ਰੱਖਾਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਖਰੀਦਣ ਔਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੋਰੀ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ।